ओके चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो दैट हाउ वी कैन से कि नेशन का डेवलपमेंट कैसा होता है, हाउ नेशंस आर कैटेगराइज एज द डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशंस और अंडर डेवलप्ड नेशन। नेशन ए और नेशन बी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट जब भी हम किसी को मेजर करते हैं, हम उसकी इनकम से मेजर करते हैं। इफ़ यू से कि नेशन ए की इनकम ज़्यादा है तो वो डेवलप्ड नेशन है, नेशन बी की इनकम कम है तो वो डेवलप्ड नेशन नहीं है। नाउ इनकम में भी टोटल इनकम नहीं देखते हैं, क्योंकि टोटल इनकम नहीं देखेंगे, वी सी एक एवरेज इनकम, मीन्स एक एवरेज पर्सन जो है उस नेशन का कितनी इनकम अर्न कर रहा है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया विच इज़ यूज बाय मोस्ट ऑफ द नेशंस, एंड दिस क्राइटेरिया जो है ये किसने बनाया है, दिस क्राइटेरिया इज़ यूज बाय वर्ल्ड बैंक। एंड वर्ल्ड बैंक जो है वो कौन सा क्राइटेरिया यूज करता है, इट यूजेस द क्राइटेरिया ऑफ एवरेज इनकम, की एक एवरेज पर्सन जो है वो कितना इनकम अर्न करता है। सपोज एक नेशन ए है एंड वहाँ पर एक एवरेज इंसान जो है वो 50,000 जो है पर मंथ अर्न कर रहा है, एंड एक नेशन बी है वहाँ पर एक एवरेज इंसान जो है 5,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है। तो आप देखो कि 50,000 एंड 5,000 में बहुत डिफरेंस है। सो विच नेशन विल यू से, वी विल से कि एक नेशन ए जहाँ पे एक पर्सन इज अर्निंग 50,000, दैट इज़ मोर डेवलप्ड, क्योंकि वहाँ उसको हर इंसान, एक एवरेज पर्सन इज अर्निंग मोर मनी, एंड एक नेशन बी है जहाँ पे सिर्फ 5,000 है, दैट इज़ नॉट डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड, और दैट इज़ योर डेवलपिंग नेशन। एंड एवरेज इनकम क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकम है इट मीन्स वो पर्सन उतने ज़्यादा गुड्स जो है खरीद सकते हैं, उतने गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल, इट मीन्स वो वाला नेशन ज़्यादा डेवलप्ड है। जिसकी इनकम कम है वो कम सामान खरीद सकता है तो वो उतनी ही डेवलपिंग नेशन है। सो वर्ल्ड बैंक यूजेज द क्राइटेरिया ऑफ एवरेज इनकम, एंड जो हमारी एवरेज इनकम है दिस इज ऑल्सो नोन एज योर पर कैपिटा इनकम। सो पर कैपिटा मीन्स वन पर्सन कितना मनी अर्न करता है, एंड पर कैपिटा इनकम हम कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज टोटल इनकम ऑफ द नेशन डिवाइड बाय योर टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो टोटल इनकम को जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे उससे आपका आ जाएगा कि वन पर्सन कितना मनी अर्न करता है। सिंपल सा अगर मैं एक बिल्कुल बेसिक आपको छोटा वाला एग्जांपल देती हूँ कि सपोज जो टोटल इनकम ऑफ द नेशन हम कह देते हैं कि 20 करोड़ है, ठीक है, एंड जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी वो हमारी कितनी आ जाती है, दैट इज़ ऑल्सो इफ आई से 20 करोड़ जो है हमारी टोटल पॉपुलेशन भी उतनी है, तो पर कैपिटा इनकम पर एनम कितना हो गया आपका, ये हो गया 1 करोड़ पर एनम। इट मीन्स जितनी इनकम है उतनी पॉपुलेशन है, हर एक को 1 करोड़ मिल रहा है, दैट इज़ दैट कंट्री इज़ वेरी वेरी रिच। दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन यू जस्ट टू सी कि कैसे पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेज इंडिया में अगर आप देखोगे बेटा, इनकम हमारी ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन उससे भी कहीं ज़्यादा है, इसलिए हर एक को बहुत कम पैसे मिलते हैं, पर कैपिटा इनकम हमारी कम हो जाती है। इट इज़ पॉसिबल कि इंडिया में इनकम हो 20 करोड़, लेकिन जो पॉपुलेशन है दैट कैन बी 200 करोड़ और दैट कैन बी 2,000 करोड़, तो पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो जाएगी। तो जितना पर कैपिटा इनकम कम, मींस पर कैपिटा मींस एक एवरेज इंसान जितना मनी अर्न कर रहा है, जितने कम पैसे हैं उतना कम सामान खरीद सकता है, तो उतना ही डेवलपिंग नेशन हो गया। जितनी पर कैपिटा इनकम यूएस में अगर आप देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, हो सकता है इनकम वहां पर भी 20 करोड़ हो, लेकिन वहां पे हो सकता है पॉपुलेशन 20 करोड़ भी नहीं हो और कम हो, तो पर कैपिटा इनकम क्या होगी, ज्यादा। एवरी पर्सन वुड बी अर्निंग मोर, एंड जब ज़्यादा पैसा होगा हर इंसान के पास, वो ज़्यादा गुड्स खरीद सकता है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, तो वो ज़्यादा डेवलप्ड नेशन हो जाता है। सो पर कैपिटा इनकम इज योर टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, एंड वर्ल्ड बैंक यूजेज दिस क्राइटेरिया ऑफ एवरेज इनकम, एंड इसके अंदर उन्होंने कुछ कैटेगरी भी कर दिया है कि रिच नेशन वो किसको बोलते हैं जिसकी इनकम, और यहाँ डॉलर्स में है, 1,205,600 US dollars पर एनम, कि एक पर्सन अगर पर कैपिटा इनकम किसी की 12,056, मतलब ऑन एन एवरेज अगर बोलो एक एवरेज पर्सन $12,000 पर एनम अर्न करता है, तो वर्ल्ड बैंक ने उसको रिच कंट्री बोल दिया है। एंड अगर एक जो वो पर पर्सन अगर 955 US dollars है पर एनम, तो उसको वर्ल्ड बैंक क्या बोलती है, पुअर नेशन बोलती है। ओके, एंड हमारा जो इंडिया है, इंडिया हमारी किस कैटेगरी में आता है, इंडिया की कैटेगरी है
$200 पर एनम की एक एक जो एवरेज इंडियन है वो पूरे साल में कितना, पर एनम मीन्स फुल ईयर, फुल ईयर में कितना अर्न करता है, $1820। तो अगर हम देखें रिच एंड पुअर में, इंडिया जो है पुअर के पास है, सो इट कम्स इन योर मिडिल भी नहीं है, मिडिल के भी क्या है, लोअर मिडिल। सो इंडिया कम्स अंडर विच कैटेगरी, इट कम्स अंडर लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज। ओके, दिस इज द कैटेगरी, दिस इज द क्राइटेरिया यूज बाय द वर्ल्ड बैंक। एंड सी दिस डाटा, दिस डाटा इज योर एज पर 2017 डेटा के उसमें है, आपके लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक्स में देर इज द लेटेस्ट डेटा, सो यू यूज दैट डेटा विच इज गिवन इन योर रीसेंट लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक्स। सो दिस इज योर पर कैपिटा क्राइटेरिया जो नेशनल वर्ल्ड बैंक ने यूज किया है। सो अगर आता है व्हाट इज द क्राइटेरिया विच इज यूज बाय वर्ल्ड बैंक, सो द मेन क्राइटेरिया यूज बाय द वर्ल्ड बैंक इज योर, कौन सा है हमारा कंट्रीज के लिए, वर्ल्ड बैंक यूज द क्राइटेरिया ऑफ एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। एंड वॉट इज एवरेज इनकम, इट इज टोटल इनकम डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन। रिच कंट्रीज कौन सी होती है, $12 12,056 पर एनम, दिस इज अकॉर्डिंग टू 2017 डेटा। एंड लो इनकम $955 पर एनम। एंड इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम, जिनकी इनकम है $180 पर एनम। नाउ वर्ल्ड बैंक ने तो ये क्राइटेरिया यूज कर दिया, पर क्या ये करेक्ट क्राइटेरिया है? नो, दिस इज नॉट द करेक्ट क्राइटेरिया। इट इज़ लाइक समथिंग लाइक, सबसे पहले दो चीज़ें हैं सी चिल्ड्रेन, अगर मैं बोलती हूँ इफ़ देर इज़ वन कंट्री ए एंड वन कंट्री बी, और हम ये ले लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि दोनों में ही सिर्फ 5-5 सिटीजन्स हैं एंड यहाँ पे हमने उनकी एवरेज इनकम निकालनी है, ठीक है, और उनका एवरेज इनकम हमारा कितना कितना आ रहा है। इफ़ आई से कंट्री ए का जो आपका है इसके अंदर, इट वॉज सपोज कंट्री बी में 500 सिटीजन का भी 500 है, थर्ड सिटीजन भी 500 अर्न कर रहा है, फोर्थ भी 500 अर्न कर रहा है, और जो ये फिफ्थ है इट इज अर्निंग 48,000, दिस इज द इनकम अर्न बाय द फिफ्थ सिटीजन। एंड जो कंट्री ए है, पहला वाला जो है ही इज अर्निंग 9500, सेकेंड इज योर 10,500, देन इसका है 9800, देन इट इज योर 10,000 and this is your 10,200. Now this is your example given in your book also, कि दो nations हैं, दोनों की इतनी इतनी income है। And now if I calculate the average income, what is the average income? Total income divided by the total population. जब आप इन सब को plus करोगे, 9500 plus 10,500 plus 9800 plus 10,000 plus 10,200, तो हमारा इसका आ जाता है आपका 50,000. 50,000 कितने हमारे हैं countries, कितने people हैं, one total population 1, 2, 3, 4, 5. So divide by 5, that comes your कितना आया average income, कि country A में people are earning 10,000 per annum. Country B में कितना है, 500 प्लस 500 1000, 1500 2000 प्लस 48,000, इसका भी कितना आया 50,000, डिवाइड बाय 5 कितना आया 10,000. तो अगर हम देखें दोनों नेशंस का, कंट्री ए एंड कंट्री बी, दोनों का एवरेज इनकम हमारा 10,000 है, तो हम बोलेंगे दोनों कंट्री एकदम बराबर है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। इफ़ यू सी इन कंट्री ए, हमारी जो इनकम है दैट इज़ मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कोई भी बहुत रिच नहीं है, कोई भी बहुत पुअर नहीं है, नो वन इज़ वेरी रिच, नो वन इज़ वेरी पुअर, इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए एवरेज इनकम कितनी आ गई 10,000. वेयर एज इन नेशन बी जो इनकम है दैट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओनली वन पर्सन इज वेरी रिच, अदर आर वेरी वेरी पुअर, दे आर गेटिंग वेरी लेस इनकम, सो दिस इज नॉट अ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि हमारा एवरेज इनकम दोनों का हम बोलेंगे सेम है, बट क्या दोनों नेशन का कंडीशन सेम है? नो। सो द पहला लिमिटेशन है कि हमें एवरेज इनकम, इट डज नॉट टेल अस हाउ द इनकम इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। सो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है, इट इज पॉसिबल कि इनकम जो है वन कंट्री इज वेरी पुअर एंड अनदर कंट्री में सबको एवरेज इनकम बराबर है। सेकेंड रीज़न क्या होता है कि जो हमारा एवरेज इनकम है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को ही कैलकुलेट कर रहा है। लाइक इफ़ आई से यू आर अ स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट ए
और एक है स्टूडेंट बी. एंड इफ आई से मुझे दोनों में कंपैरिजन करना है एंड इफ आई से स्टूडेंट ए जो है गेट्स 98% मार्क्स इन योर इन स्टडीज एंड स्टूडेंट बी जो है ही गेट्स ओनली 50% मार्क्स. ठीक है. एंड इफ आई से नाउ हु इज बेटर और मैं बोल दूँ कि स्टूडेंट ए इज बेटर बिकॉज ही इज गेटिंग बेटर मार्क्स, दिस इज नॉट करेक्ट. क्योंकि ये भी हो सकता है कि डिसिप्लिन में जो है ही इज नॉट गुड, स्पोर्ट्स में ही इज नॉट गुड एंड जो स्टूडेंट बी है he is very good in sports, he is very good in music, he is very well disciplined. ठीक है. एंड हो सकता है वो को करिकुलर एक्टिविटीज में ही इज वेरी गुड. सो आई cannot कंपेयर टू पीपल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन क्राइटेरिया. सो अगर हम नेशन को भी सिर्फ वन क्राइटेरिया में करते हैं सिर्फ इनकम के बेसिस पे, दैट इज नॉट अ गुड क्राइटेरिया. हमें नेशन का भी पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट देखना चाहिए. सो द क्राइटेरिया विच इज यूज बाई वर्ल्ड बैंक एंड दैट क्राइटेरिया इज द क्राइटेरिया ऑफ यूजिंग द नेशनल इनकम और द एवरेज इनकम, दैट इज नॉट अ गुड क्राइटेरिया क्योंकि उसके कुछ लिमिटेशंस है. वॉट आर the limitations of the criteria used by World Bank, because number one is your it does not tell how income is distributed. हमें ये सिर्फ बताता है average income कितनी है. It does not tell us कि income how it is distributed and you have to support this answer with example और आपको ये table form में दिखाना है. कंट्री ए सेम विच आई टोल्ड यू, कंट्री ए में 5 सिटीजन्स हैं. हम सोच रहे हैं कि 5 है, एवरेज इनकम इसका भी 10,000 है. कंट्री बी में 500 10,000 है. कंट्री ए में हमने क्या देखा, सेम एवरेज इनकम है बट वन इज कंट्री बी में वन इज एक्सट्रीमली रिच एंड वाइल अदर्स आर पुअर. एंड हमारी जो दूसरी कंट्री बी है, हमारी जो कंट्री ए है, इसमें क्या हो रहा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. देर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, पीपल आर नीदर रिच नॉट एक्सट्रीमली पुअर. सो हमारा जो एवरेज इनकम है इट डज नॉट टेल हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड. सेकेंड हमारा है जो एवरेज इनकम है इट कवर्स ओनली वन आस्पेक्ट ऑफ जो आपका पेपर नेशन है. इट इज कंपेयर्ड ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ द अचीवमेंट्स आर नॉट कंपेयर्ड. दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ योर टेकिंग द क्राइटेरिया ऑफ एवरेज इनकम. दैट इज वाई द क्राइटेरिया यूज बाय वर्ल्ड बैंक इट इज नॉट गुड बिकॉज ये सब नहीं बताता इक्वल कैसे डिस्ट्रीब्यूट, और ये सिर्फ एक एस्पेक्ट को ले रहा है. वी शुड सी ऑल द एस्पेक्ट्स एंड ऑल द एस्पेक्ट्स किसने लिया, यूएनडीपी, दैट इज योर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड दैट वी विल बी कवरिंग इन द अपकमिंग वीडियो. गो थ्रू इट, एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क मी. थैंक यू.